फ्लोरिसेंस, एफ्लोरिसेंस को सबसे पहले डिफाइन करते हैं, लॉस ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम हाइड्रेटेड सब्सटेंस इनटू एटमॉस्फेयर। अब एक जो हाइड्रेटेड सब्सटेंस है, हाइड्रेटेड का मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल मौजूद होता है, और अनहाइड्रेटेड वो सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होता। अब एफ्लोरिसेंस का जो अमल है उसमें हाइड्रेटेड सब्सटेंस के अंदर से जो उसके अंदर वाटर मौजूद है वो सब्सटेंस से निकलकर एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, एफ्लोरिसेंस कहेंगे। अब हाइड्रेटेड फॉर्म जो होती है उसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो उस कंपाउंड के साथ अटैच होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, बांड बनाया हुआ होता है। अब उस सब्सटेंस का जो एटमॉस्फेयर है, जिस जगह पे वो सब्सटेंस मौजूद है और उसके इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे भी कुछ नमी मौजूद होती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। अब होता यह है कि अगर उस हाइड्रेटेड सब्सटेंस का वेपर प्रेशर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से ज़्यादा हो, ठीक है, सब्सटेंस का वेपर प्रेशर जो बाहर वाला एटमॉस्फेयर है उससे ज़्यादा है, तो क्या होता है कि ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होगी। सब्सटेंस के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो सब्सटेंस से निकलकर किस में शामिल हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल हो जाएंगे। उस हाइड्रेटेड सब्सटेंस से वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो निकलकर एटमॉस्फेयर के अंदर शामिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस जो है एनहाइड्रस हो जाएगा। इस अमल को हम क्या कहते हैं, एफ्लोरिसेंस कहते हैं। अब एफ्लोरिसेंस के अमल से बचाया किस तरह जाए अपने प्रोडक्ट्स को, बाय क्लोजिंग द कंटेनर इमीडिएटली। अगर कोई हम एफ्लोरिसेंस सब्सटेंस या प्रोडक्ट है जो हम यूज़ कर रहे हैं तो हमने क्या करना है कि उस कंटेनर को, उस कंटेनर के अंदर से उस सब्सटेंस को निकालने के बाद फौरन ही उसको बंद कर देना है। बाय फिलिंग द कंटेनर, कंटेनर को अच्छी तरह से बंद करके रखना है ताकि उसके अंदर हवा के लिए किसी किस्म के कोई स्पेस मौजूद ही ना रहे। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक ऐसा अमल है जिसमें हम लिक्विड्स, जितने भी मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड होंगे या फिर एक लिक्विड है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अज्जा हैं, उनको अलग करने का अमल डिस्टिलेशन कहलाता है। और ये जो सेपरेशन है ये लिक्विड्स की वोलेटिलिटीज़ की बुनियाद पर होती है। प्रिंसिपल क्या है, इट इज़ प्योरीफिकेशन एज वेल एज सेपरेशन प्रोसेस। अब प्योरीफिकेशन कहते हैं किसी चीज़ के अंदर अगर किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटी मौजूद है तो उसको निकालना, साफ करना। सेपरेशन एक लिक्विड है उसके जितने भी अज्जा हैं उसको मुख्तलिफ उन अज्जा के अंदर कन्वर्ट करना। अब इसमें क्या करते हैं कि केमिकल सब्सटेंस को बॉयल करते हैं उनके बॉयलिंग पॉइंट तक। फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर का बॉयलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक कन्वर्ट बॉयल करेंगे यहाँ तक कि वो जो लिक्विड है वेपर्स के अंदर ना कन्वर्ट हो जाए। फिर हम क्या करते हैं, उन वेपर्स को कंडेंसर के अंदर कलेक्ट करते हैं। अब कंडेंसर का क्या काम है कि कंडेंसर ने उन वेपर्स को दोबारा लिक्विड्स के अंदर कन्वर्ट कर देना है। उस लिक्विड को फिर हम रिसीवर के अंदर कलेक्ट करते हैं। डिस्टिलेशन के प्रोसेस के लिए जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल होते हैं तीन होते हैं इसमें। एक तो है स्टिल, स्टिल वो वेसल या फिर कंटेनर है जिसके अंदर हम लिक्विड को हीट करते हैं, और दूसरा है कंडेंसर थ्रू विच कोल्ड वाटर इज सर्कुलेटेड टू कैरी आउट कंडेंसेशन, और तीसरा जो पार्ट है वेसल है जिसके अंदर जो हम कंडेंस लिक्विड है उसको आखिर पे कलेक्ट करते हैं।